मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हम लोग हाईकोर्ट पढ़ रहे थे, हाईकोर्ट के बारे में कल हम लोगों ने अनुच्छेद पे चर्चा की थी कि किस तरीके से 214 से लेकर के और 232 तक जो है हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है और कौन से भाग में है, ये भाग 6 में है। ठीक है, आज हम लोग किस तरीके से हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, उनके क्या कार्यकाल होते हैं, योग्यताएं क्या होती हैं यानी अर्हताएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, इन जजों की नियुक्ति, जज दो तरीके के होते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो हर राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में मतलब न्यायालयों में अलग अलग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो एक निश्चित संख्या है, ठीक है, जो संसद विधि द्वारा बढ़ाती रहती है, कभी 31 थी, आज क्या है 34 संख्या हो गई टोटल। तो जो हाईकोर्ट के जज हैं ये अनुच्छेद 217(1) के तहत जो है इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो हाईकोर्ट के जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी कौन करता था, राष्ट्रपति करता था। ठीक है, और हाईकोर्ट के जज की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, सीजे की बात करें, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, सीजे। तो सीजे की बात करें, मुख्य न्यायाधीश, सीजे मतलब चीफ जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो हम सीजे आई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ पर न्यायाधीश हाई कोर्ट की बात है तो इंडिया की बात नहीं होगी, तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करता है दो लोगों से सलाह लेकर के, दो लोगों से सलाह लेकर के, एक तो आपका सीजेआई से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, और दूसरा जिस राज्य का वो क्या है, हाईकोर्ट है, जिस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश की भर्ती करनी है, मुख्य न्यायाधीश की भर्ती करनी है, उस राज्य के राज्यपाल से जो है परामर्श लेता है। तो यहाँ पर ये राज्यपाल का शब्द बढ़ जाता है, नहीं तो हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा था, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ही जो है नियुक्ति करता है, लेकिन जो है किससे परामर्श करके, तो मतलब उनका कॉलेजियम व्यवस्था थी, यहाँ भी कॉलेजियम ही है। ये सीजेआई जो परामर्श देता है तो सीजेआई जो कॉलेजियम में अन्य सदस्य बैठते हैं उनसे भी परामर्श लेता है, सभी लोग बैठ करके परामर्श करते हैं। तो यहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था ही है, और लेकिन सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट रूप से मतलब हम नाम किसका देखते हैं, तो राष्ट्रपति का देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दो लोगों से सलाह लेकर के, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और जिस राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भर्ती करनी है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। और अन्य न्यायाधीशों की बात करें, अगर अन्य जज की जो है नियुक्ति की बात करें तो इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक परामर्श का एक पद और बढ़ जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता ही करता है और राज्यपाल से तो करता ही करता है, जिस राज्यपाल, जिस राज्य के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श तो करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर एक आदमी और बढ़ जाता है, कौन, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो तीन लोगों से परामर्श करता है, किसकी भर्ती के लिए, अन्य जजों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो अन्य जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करता है और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, और इसके साथ साथ में उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। तो फिर भर्ती कौन करता है, जो है राष्ट्रपति। यहाँ पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऑप्शन में राज्यपाल आ जाता है तो सोचते हैं क्योंकि हाई कोर्ट राज्यों की व्यवस्था है, तो फिर राज्य में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र की व्यवस्था है तो केंद्र में राष्ट्रपति भर्ती करेगा और राज्य में फिर राज्यपाल भर्ती करेगा, ऐसा लोग जो है कंफ्यूज होकर के ज्यादातर टिक लगा कर आ जाते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, राष्ट्रपति ही जो है नियुक्ति करेगा, लेकिन परामर्श लेगा किससे, राज्यपाल से, दोनों की स्थिति में। ठीक,
और जो है मुख्य न्यायाधीश की स्थिति में राज्यपाल के साथ साथ सीजीआई से भी लेता है, और अन्य न्यायाधीशों की स्थिति में एक व्यक्ति बढ़ जाता है मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का। ठीक, तो ये नियुक्ति होगी। अब नियुक्ति होने कौन से व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, ऐसे ही हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता तो यही होना चाहिए कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। तो भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 217(2) में। 217(1) में तो नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और 217(2) में, अनुच्छेद 217(2) में जो है इनकी योग्यता, अर्हता मतलब योग्यता, क्वालिफिकेशन, जैसे तुम्हें जो है मतलब इंटर पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास क्वालिफिकेशन होगा तभी तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसे ही अर्हता, इसी को क्वालिफिकेशन क्या बोलते हैं, अर्हता शब्द आता है उसके लिए। तो इस अर्हता की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 217(2) में, अनुच्छेद 217(2) में, संविधान के अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये होगी कि वो भारत का नागरिक हो। अब भारत का नागरिक कैसा भी हो, चाहे वो नागरिक जो है अर्जन के माध्यम से बना हो, चाहे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बना हो, चाहे जन्मजात हो, तुम लोग नहीं पढ़े हो उसके पहले हमने सब पढ़ा दिया है नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो कैसा भी नागरिक हो वो जो है भारत के जो है किसी राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो जाता है। पहली योग्यता तो यही है कि भारत का वो नागरिक हो। और दूसरी योग्यता की बात करें तो वो 10 वर्ष तक जो है 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। न्यायिक पद, यहाँ पर जो है एक शब्द आता है न्यायिक पद, यानी 10 वर्ष तक वो किसी न्यायिक पद पर हो। न्यायिक पद मतलब हो सकता है किसी अधिकरण का जो है अध्यक्ष हो, किसी अधिकरण का सदस्य हो, ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, जैसे गंगा अथॉरिटी, गंगा ट्रिब्यूनल है, तो ये सब भी कुछ न्यायालय होते हैं लेकिन अर्ध न्यायालय होते हैं। इनमें भी फैसले होते हैं, जैसे गंगा मैली हो रही उसकी सुनवाई के लिए जो है अधिकरण बना दिया गया है, ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, तो उस अधिकरण का क्या हो, वो जो है अध्यक्ष हो या मेंबर हो, तो ये भी न्यायिक पद हो जाएगा। तो वो 10 वर्ष तक किसी मतलब न्यायिक पद पर हो, किसी अधिकरण का, किसी न्यायाधिकरण का क्या हो, सदस्य हो या अध्यक्ष हो, लेकिन सेवा कितनी वर्ष की होनी चाहिए, 10 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, राज्य में कहीं भी किसी भी संस्थान में वो न्यायिक पद पर रह सकता है। ठीक, या फिर या तो ये हो भारत का नागरिक हो, या ये मतलब दोनों चीज होना चाहिए, भारत का नागरिक हो या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो, अथवा भारत का नागरिक हो या फिर 10 वर्ष तक वो भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता। न्यायाधीश तो बनाना ही है, न्यायाधीश तो उसे बनाने की अर्हता बात करें ना, तो न्यायाधीश थोड़े नहीं होगा, वो क्या होगा, अधिवक्ता होगा, एडवोकेट होगा, वकील होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ये अथवा है और है। ठीक, 10 वर्ष तक या तो न्यायिक पद पे हो, ठीक, या फिर लगातार 10 वर्ष तक वो प्रैक्टिस कर रहा हो किसी भी भारत के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो 10 वर्ष तक जो है क्या कर रहा हो, वकील, वकील रहा हो। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है जब अर्हताएं योग्यताएं पूरी कर लेगा व्यक्ति, तो उनमें से ही राष्ट्रपति महोदय जो है मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, अन्य न्यायाधीश बना सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश बनना हो तो भी यही अर्हता होगी, और अन्य न्यायाधीश बनना हो तो भी यही अर्हता होगी। ठीक, अब जब न्यायाधीश बन गया व्यक्ति या मुख्य न्यायाधीश बन गया, तो फिर न्यायाधीश बनने के बाद में शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, और इस प्रतिज्ञा का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, अनुसूची 3 में। अभी इतना जानते रहो, अनुसूचियाँ जब हम पढ़ाएंगे तो फिर सारी अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, जिस तरीके से जो है तुम्हें फॉर्मेट बना करके दिया जाता है कोई एप्लीकेशन भरने के लिए, जैसे तो उसमें सब लिखा रहता है, ये नाम भरना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ भरनी है, तो ऐसे ही फॉर्मेट दिया होता है। वो फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, अनुसूची 3 में दिया हुआ है, कि जो मुख्य न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट का या फिर अन्य न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे, तो अनुसूची 3 में दिया है। और शपथ कौन दिलाएगा उसे, अगर हाई मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो उसे शपथ दिलाते हैं वहाँ के राज्यपाल महोदय, बस ये अंतर है। जो है सुप्रीम कोर्ट में शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। हाई कोर्ट में शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। भर्ती तो राष्ट्रपति करेगा और शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल।
तो शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, ठीक। अब राज्यपाल चाहे तो स्वयं शपथ दिलाए, और नहीं तो राज्यपाल के पास समय नहीं है तो किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। वो भेज देंगे कि फलाना व्यक्ति जा करके जितने न्यायाधीश बने हैं सबको क्या कराओ? शपथ दिलाओ, ठीक। तो राज्यपाल स्वयं या फिर राज्यपाल की तरफ से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति कोई जाएगा और वो क्या कराएगा? शपथ दिलाया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि राज्यपाल महोदय ही शपथ दिला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जगह किसी को अपॉइंट कर दिया, भेज दिया, ठीक। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा न्यायालय हो जिसकी अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्य में हो, दो राज्य में हो सकता है, और जो है किसी केंद्रशासित प्रदेश में हो सकता है, जैसे कि आपका गुवाहाटी वाला न्यायालय, ठीक है, असम में गुवाहाटी है, और उसमें जो है चार राज्यों की अधिकारिता है, तो वहाँ के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? भाई वहाँ असम का भी राज्यपाल होगा, वहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश का भी राज्यपाल होगा, तो अब यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाएगा? तो ऐसे ऐसे न्यायालय जो कॉमन होंगे, जिनकी अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में या केंद्रशासित प्रदेशों तक फैली होगी, तो वहाँ पर जिस राज्य के मतलब मुखिया जिस राज्य के क्षेत्र में उसका मुख्यालय स्थित होगा, हाईकोर्ट का मुख्यालय यानी बिल्डिंग बनी होगी जहाँ से हाईकोर्ट का संचालन हो रहा होगा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाएगा, ठीक। तो कॉमन हाईकोर्ट की स्थिति में, कॉमन हाईकोर्ट जब होगा तो जहाँ पर वो हाईकोर्ट बना होगा, जैसे हमने बताया चंडीगढ़ वाला, जैसे पंजाब का हाईकोर्ट कहाँ बना है? चंडीगढ़ में बना है, ठीक है। पंजाब का हाईकोर्ट चंडीगढ़ बना, अब चंडीगढ़ तो जो है हालांकि जो है उसमें तीनों चीज़ आती हैं, पंजाब भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, और चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश ही है, और चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी भी है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई। यहाँ तो दोनों राज्यों की राजधानी है, और चंडीगढ़ न तो जो है हरियाणा में है ना ही पंजाब में है, वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही है। यहाँ कुछ दोनों मतलब दोनों में से जो फ्री होगा वो जा करके शपथ ग्रहण करा देगा, पंजाब का भी जा सकता है और हाँ जो है हरियाणा का भी जा सकता है, ठीक। तो ऐसे कॉमन स्थिति में शपथ ग्रहण इस तरीके से होगा, और शपथ ग्रहण की बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 219 में, ठीक। अब मान लो न्यायाधीश जो है रिटायर हो गया, मतलब अपने कार्यकाल को पूरा करके और वो रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है, क्या वो वर्क कर सकता है? तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 220 के अनुसार, कि अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 220 में बताया गया है कि न्यायाधीशों पर किस प्रकार के प्रतिबंध होंगे, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे। तो अगर न्यायाधीश जो है जिन जिन न्यायालयों में रहा हो, जिन जिन न्यायालयों में रहा हो उन न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता, ठीक है, उन न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता, जैसे पांच राज्यों के न्यायालयों में वो क्या रहा हो? जज रहा हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश रहा हो चाहे जज रहा हो, तो उन न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सभी न्यायालयों में वकालत कर सकता है, और साथ में ही कहाँ वकालत कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, साथ में सुप्रीम कोर्ट में। तो सिर्फ उसके लिए ही रिस्ट्रिक्शंस है कि जिन न्यायालयों में उसने सेवा दी है एज ए जज, एज ए मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो उन न्यायालयों में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, बाकी वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है और बाकी बचे हुए अन्य न्यायालयों में प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक। तो ये रिटायरमेंट के बाद की व्यवस्था है। अब जज बन गया तो उसको वेतन और भत्ते मिलेंगे, उसको जो है वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो सैलरी मिलेगी इसकी बात कही गई है 221 में, क्योंकि ये राज्यों का मामला है, जिस राज्य के मतलब हाईकोर्ट में सर्विस कर रहा होगा न्यायाधीश उस राज्य के संचित निधि से क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड होता है संचित निधि, ठीक है। हमने बताया था संचित निधि मतलब जो हम लोग टैक्स फैक्स देते हैं, सारी टैक्स और सारा रेवेन्यू जाता है वो सब इकट्ठा होता रहता है एज ए गुल्लक, एक तरीके से जैसे एक बच्चा है क्या करता है जो है गुल्लक में पैसा जोड़ता रहता है तमाम स्रोतों से, फिर बाद में वो उसको खर्च करता है। तो ऐसे ही राज्य की भी अपनी क्या होती है? गुल्लक होता है, अपनी एक निधि होती है जिसमें राज्य के राजस्व से प्राप्त पैसे इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक। तो उसमें संचित निधि से उनको क्या दिया जाएगा? सैलरी दी जाएगी, ठीक, न्यायाधीशों को, किसके? सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किससे दी जाती थी? केंद्र की संचित निधि से, किससे? केंद्र की संचित निधि से। अब यहाँ इस समय वर्तमान में इनका वेतन क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन पता है? मैंने बताया था कितना है, 2,80,000। किसका है? सीजेआई का। और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। ठीक है, तो यहां पर जो है 2,50,000 सीजेआई का है वेतन, 2,50,000 जो है किसका वेतन है? सीजे का है, मुख्य न्यायाधीश का है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 है। और थोड़ा सा देख लेना अन्य न्यायाधीशों का, शायद 2,25,00,000 है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश थोड़ा चेक कर लेना, 2,25,00,000 या 2,30,00,000 है, इसको देख लेना थोड़ा सा, ध्यान नहीं इसमें तो। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन 2,50,000 है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, तो इनको वेतन और भत्ता दिया जाता है अनुच्छेद 221 के अंतर्गत। और इसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है इनको जो पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है? पेंशन। तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? केंद्र के संचित निधि से। तो ये बारीकी याद रखना, यहीं से प्रश्न बनते हैं कि जो है राज्य के हाई कोर्ट, किसी राज्य का हाई कोर्ट का अगर मान लो जज रिटायर होता है तो उसे जो है ऐसे प्रश्न आएगा कि अंतिम न्यायालय मतलब राजेश मतलब न्यायमूर्ति राजेश अपने सेवा काल के दौरान अंतिम रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन निम्नलिखित जो है स्थानों से दी जाएगी। नंबर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के संचित निधि से, ऑप्शन बी केंद्र के भारत सरकार के संचित निधि से, ऑप्शन सी पेंशन ही नहीं दी जाएगी, ऑप्शन डी जो है दोनों से दी जाएगी। ऐसे प्रश्न बनाया जाता है, यानी केंद्र से भी दी जाएगी और राज्य से भी दी जाएगी। सी में कहा गया पेंशन ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेंशन बंद है तो तुम सोचोगे शायद पेंशन सबकी बंद है तो उनकी भी बंद होगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज आने के लिए ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। तो पेंशन दी जाएगी लेकिन कहाँ से दी जाएगी? केंद्र की संचित निधि से, प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक, तो केंद्र के संचित निधि से उनको पेंशन दी जाएगी। अब यहाँ पर स्थानांतरण की बात आती है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण होना है, तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है। स्थानांतरण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। स्थानांतरण राष्ट्रपति करेगा, जैसे भारत में 25 क्या है न्यायालय है, सुप्रीम हाई कोर्ट है, भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25। अब 25 हाई कोर्ट में कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है न्यायाधीशों का अथवा जो है मुख्य न्यायाधीश का, कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है। अब स्थानांतरण करते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किससे परामर्श करके? सीजेआई से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति महोदय जो है क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं अनुच्छेद 222 में। ठीक, ये याद रखना 222 बड़ा यूनिक नंबर है, 222। ठीक है, 222। तो नमस्ते, क्लास खत्म हो जाए तो भाई स्थानांतरण की बात कर रहे थे। तो स्थानांतरण जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, किसके परामर्श से? सीजेआई की, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अनुच्छेद 222 में। ठीक, अब यहां पर भी जो है मान लो अकस्मात जो है मुख्य न्यायाधीश का क्या हो जाए? पद रिक्त हो जाए, किसी कारणवश बीमारी हो सकती है, असमर्थ हो सकता है, ठीक है, या फिर मृत्यु हो सकती है, या फिर बाहर लंबे समय की छुट्टी पे चले गए हो मुख्य न्यायाधीश, तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो रिक्त पद पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन अभी देखा राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता था जजों की, लेकिन परामर्श लेता था। अब परामर्श लेने का समय नहीं है, क्योंकि हमें अर्जेंट में व्यवस्था करनी है मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि भाई बहुत सारे मुकदमे लंबित पड़े रहते हैं हाई कोर्ट में, तो मुकदमों को उसमें बाधा ना आए इसलिए एक हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश तुरंत नियुक्त करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम राज्यपाल से परामर्श लेने लगेंगे, सीजेआई से परामर्श लेने लगेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए परामर्श नहीं लेना है, सीधे राष्ट्रपति क्या करेगा? जो उनमें से जो जिस न्यायाधीश, जिस न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जो है नहीं है, तो उसी न्यायालय में से किसी व्यक्ति को क्या कर देंगे? मुख्य न्यायाधीश बना देंगे कार्यवाहक के रूप में, जब तक कि परमानेंट नहीं आ जाता है, तो कार्यवाहक के रूप में उसे क्या कर देंगे? नियुक्त कर देंगे। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, बिना किसी के परामर्श से। तो ये एक शब्दों पे ध्यान रखना, बिना किसी के परामर्श से।
अब इसी प्रकार से मान लो मुकदमे जो है काफी चल रहे हैं, ठीक, और न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं, संख्या कम हो गई है, तो न्यायाधीशों को भर्ती करने का एक प्रावधान है। इस तरीके से जो है कॉलेजियम के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा भरा जाता है पद, लेकिन इसमें टाइम लगता है, लेकिन अभी हमें तत्काल भरना है और मुकदमों की सुनवाई करनी है, तो ऐसे स्थिति में अपर या कार्यकारी जो है मतलब जज की नियुक्ति की जाती है। अपर मतलब जो है कोई मतलब एक तरीके से मतलब टेम्परेरी, एक तरीके से कैसा टेम्परेरी एडिशनल अतिरिक्त एडिशनल, ठीक, तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की भर्ती करनी है या फिर एक्टिंग जो कार्यकारी है इस समय मतलब उनको कार्य उनसे लेना है, तो ऐसे न्यायाधीशों की भर्ती करने के लिए देखो वहां सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक शब्द आया था, क्या शब्द आया था, तदर्थ, तो यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की भर्ती नहीं की जाती है, बस शब्द का हेर फेर है ना, मतलब काम तो वही है लेकिन वहां पर कहा गया एडहॉक, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था एडहॉक, तो एडहॉक न्यायाधीशों की भर्ती यहाँ हाई कोर्ट में नहीं की जाती है, हाई कोर्ट में की जाती एडिशनल और एक्टिंग, एडिशनल एंड एक्टिंग जज, अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश, तो इनके नाम से जाने जाते हैं, तो इनकी भर्ती की जाती है अनुच्छेद 224 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और इनका अधिकतम कार्यकाल हो सकता है 2 वर्ष तक, हो सकता है 6 महीने तक ही इनको काम लिया जाए, लेकिन अधिकतम जो है कितने वर्ष तक नियुक्त किए जाते हैं 2 वर्ष तक, और कैसे व्यक्ति को जो राज्य के या जिस राज्य में मतलब नियुक्त करना है वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो विधिवेत्ता होगा, जिसको विधि का ज्ञान होगा, ठीक, ऐसे व्यक्ति को विधि का ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं नियुक्त कर सकते हैं क्या अपर न्यायाधीश के रूप में, क्योंकि मुकदमों की सुनवाई होनी है, ठीक, अभी जैसे कई मुकदमे चल रहे हैं इसी बीच जो है बहुत सारे मुकदमों की बौछार हो गई, इधर अर्डर मर्डर हुए हैं, तो इनमें समय क्या होता है कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनती है, अगर संवैधानिक जो है मुकदमा है कोई मतलब तो उससे संबंधित कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनती है, ठीक, और न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तो बहुत सारे मुकदमे चलते रहते हैं ना, तो इसलिए जो है जब संख्या कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और उनका कार्यकाल कितना हो सकता है अधिकतम 2 वर्ष, 2 वर्ष तक के लिए अधिकतम नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक, और इसके अलावा मान लो इनमें से नहीं कर रहे हैं तो कुछ सेवानिवृत्त जज होंगे, कुछ जज होंगे जो रिटायर होंगे तो उनसे भी काम लिया जा सकता है, रिटायर जज जो होगा वो जो है काफ़ी अनुभवी होगा, तो फिर राष्ट्रपति महोदय जो है राष्ट्रपति महोदय नहीं इसमें सीजे करते हैं मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, यहाँ पर जो है ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है जो पहले से क्या न्यायाधीश थे और क्या हो गए हैं रिटायर हो गए हैं, ठीक, तो उन्हें जो है नियुक्त करना है, उनमें से नियुक्त करना है यही काम के लिए, कौन काम के लिए कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में, यानी उनसे एक्स्ट्रा काम लेना है, तो किससे कर सकते हैं या तो पब्लिक में से कर सकते हैं, पब्लिक में से मतलब जो विधि का ज्ञानी हो, ठीक है, या फिर जो पहले से ही सेवा दे चुका हो, तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है अनुच्छेद 224 ए में अमेंडमेंट करके संशोधन करके इसके जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति मिल ही नहीं रहे थे और यहाँ से मिलना आसान है क्योंकि अभी जो रिटायर हो गए उनको हम ले सकते हैं आसानी से, तो इसे जोड़ा गया है, तो 224 ए के तहत जो सेवानिवृत्त जज हैं उनसे भी सेवाएं ली जा सकती है, लेकिन इनकी भर्ती कौन करेगा राष्ट्रपति नहीं करेगा, इनकी भर्ती कौन करेगा उस हाँ उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, और अब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो है उनसे जा करके उनको लेटर नहीं थमाएगा कि चलो तुमको सेवा देनी है, कहेगा भैया हाथ जोड़कर विनती है आप जो है सेवा दो अपनी क्योंकि आपको अनुभव है, तो वो अब जब अनुरोध करोगे विनती करोगे तो वो क्या कर सकता है मना भी कर सकता है और काम कर भी सकता है, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर निर्भर है कि वो अपॉइंट होगा नियुक्त होगा कि नहीं नियुक्त होगा उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, ठीक, तो सीजे द्वारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसे जो है पद भरे जाते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करें न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम 62 वर्ष इनकी रिटायरमेंट की आयु है, कितनी 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु कितनी है 65 वर्ष, तो यहाँ पर 62 वर्ष है और 62 वर्ष से पहले भी जो है त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र देने के लिए किसको दिया जाएगा तो राज्यपाल महोदय को, त्यागपत्र किसको दिया जाएगा राज्यपाल को, तो राज्यपाल को संबोधित अपना त्यागपत्र जो है सुप्रीम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकता है, या फिर बीच में ही अगर उस पर कुछ जो है चार्ज लग जाए कुछ दोषारोपण हो जाए तो बीच में ही उसे हटाया जा सकता है,
कार्यकाल पूरा होने से पहले 62 वर्ष पूरा होने से पहले, तो बीच में हटाया भी जा सकता है। हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की है अनुच्छेद 124(4) में। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाने के लिए क्या कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया पूरी वही है, लेकिन शब्द महाभियोग नहीं इस्तेमाल किया गया है। अर्थात संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए जो है प्रस्ताव, और उसके बाद में 3 जो है व्यक्तियों की एक बेंच बनाई जाएगी, मतलब एक जो है कमेटी गठित की जाएगी। फिर वो जांच करते हैं और जांच में पाया जाता है कि उन पर दोष सिद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति महोदय उनको क्या करते हैं? पद से मुक्त कर देते हैं। यहां भी राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही इन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया वही अपनाई गई है। कौन सी? जो सुप्रीम कोर्ट की है वही प्रक्रिया अपनाई गई है। तो हटाता कौन है? अल्टीमेट राष्ट्रपति। तो देखो, अब राष्ट्रपति से संबंधित यहां पर कई चीजें आती हैं, राज्यपाल से संबंधित सिर्फ एक चीज आती है। राज्यपाल सिर्फ क्या करता है? शपथ दिलाता है। राज्यपाल सिर्फ शपथ दिलाता है, बाकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बल्कि परामर्श जरूर राष्ट्रपति किससे लेता है? राज्यपाल से लेता है। ठीक है, और लेकिन जो है नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे, और नियुक्ति के साथ साथ में जो है स्थानांतरण भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, और जो है त्यागपत्र सिर्फ किसको दिया जाता है? राज्यपाल को। तो राष्ट्रपति के कई कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ त्यागपत्र जो है राज्यपाल के हिस्से में आता है। कार्यवाहक सीजे की भी भर्ती की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से स्थानांतरण और शपथ जो है, हाँ शपथ राज्यपाल, दो चीज है राज्यपाल, शपथ और त्यागपत्र। शपथ और त्यागपत्र जो है, तो इस तरीके से नहीं, त्यागपत्र गलत लिख गया है, राष्ट्रपति ही होगा, यहाँ गलत लिखा। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही संबोधित किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी जो है व्यवस्था हमने हाई कोर्ट से संबंधित देखी, उच्च न्यायालय से संबंधित देखी, जो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक पूरी है। अब इसके बाद में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इनकी शक्तियों के बारे में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पावर्स, क्षेत्राधिकार और शक्ति, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का देखा था और हम लोग हाई कोर्ट का देखेंगे। फिर इसके अगले क्लास में, एक ही क्लास में पावर्स हो जाएगा फिर, क्योंकि पावर्स सारे पढ़ चुके हो, लगभग मिलता जुलता है। फिर अगले क्लास में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, दोनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।